दोस्तों, कल मैंने एक वेब सीरीज देखा। एक साल पुरानी है ये वेब सीरीज, फिर भी सोचा कि इसकी रिव्यू किया जाए। और बिना कोई मूवी या वेब सीरीज देखे मैं रिव्यू करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये वेब सीरीज है समांतर, एंड दैट कैन बी व्यूड ऑन एमएक्स प्लेयर। लीड रोल में है स्वप्निल जोशी, ये उनका डेब्यू वेब सीरीज है। इसमें है नीतीश भारद्वाज, जिनको हम बीआर चोपड़ा महाभारत के श्री कृष्णा के नाम पे भी जानते हैं, और तेजस्विनी पंडित, जिनको आप बहुत मराठी सीरियल्स और मूवीज में देखे होंगे। चलिए हम कहानी की ओर गाड़ी घुमाते हैं। इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और 4 लैंग्वेज में इसको रिलीज किया गया है, मराठी, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। दिस वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय सतीश राजवाड़े। द स्टोरी इज, कुमार महाजन एक मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं, शादीशुदा हैं, उनका एक छोटा सा बेटा भी है जिसको महाजन बहुत प्यार करते हैं। उसके हर जिद को पूरा करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, पत्नी की सामान्य ख्वाहिशें भी पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, इस सीरीज में दिखाया गया है। महाजन जिस भी काम करने की कोशिश करते हैं या करने जाने वाले हैं, वो कभी पूरा नहीं हो पाता, हमेशा नाकामयाबी मिलती है। महाजन एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उनके जो कलीग हैं उनको सब पता होता है महाजन के साथ क्या हो रहा है। एक दिन वो कलीग बोलता है, चलो मेरे एक स्वामी जी हैं जिनको ज्योतिष विद्या के महापारंगम हासिल किए हुए हैं, उनके पास चलते हैं और तुम अपना हाथ दिखाना, वो बता देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें महाजन राजी नहीं होता है, कहता है मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता, जाके कोई फायदा नहीं। फिर भी कलीग के जिद करने से वो जाता है। जब महाजन स्वामी जी को अपना हाथ दिखाता है, स्वामी जी देखते हैं कुछ समय के लिए और बोलते हैं कि हाथ पहले भी मैंने देखा हुआ है। महाजन कहता है मैं ये ज्योतिष विद्या वगैरह वगैरह में विश्वास तो बिल्कुल नहीं रखता, फिर आप ये हाथ कैसे पहले देख सकते हैं। तो बाद में पता चलता है कोई सुदर्शन चक्रपाणि नाम के कोई व्यक्ति कुमार महाजन का जीवन को पहले से ही जी चुका है। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, राइट? हाँ, यही है वो मोमेंट ऑफ द ट्रूथ जिस वजह से आपको ये सीरीज देखना चाहिए। कुछ जगह पर ये सीरीज आपको डरा सकती है, पर आप जैसे जानते हैं ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है, आप इसको भरपूर आनंद भी उठा सकते हैं। मैं जब ये सीरीज देख रहा था, मैं बहुत इमेजिनेशन में चला गया था कि मेरे भी जीवन को कोई जिया होता तो मैं भी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। इस सीरीज में सुदर्शन चक्रपाणि ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हैं कुमार महाजन के लिए, आपको ये देख के खूब मजा आएगा और बहुत दिलचस्प है। सुनने में आया है इसका जो सेकंड सीजन जुलाई 1st वीक में आने वाला है, मैं जिसका इंतजार में हूँ। अब हम सीरीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आपको सीरीज देखनी है और वो थ्रिल मोमेंट्स एंजॉय करनी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नए रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए नए रिव्यू आएंगे इन फ्यूचर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नमस्ते। खुदा हाफिज। Love you all.